स्वागत करता हूं मैं अपने सभी दोस्तों का एक और ब्लॉग में, और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे पहाड़ी धाम। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहाड़ी धाम। ये हो रही है मीठे की तैयारी, गाजर का मीठा। तो सबसे पहले गाजर उबल चुकी है और अब उसको मैश किया जा रहा है मीठे के लिए। नमस्कार। ओ ठीक ठाक है। अब ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग तो अब कैमरा लेके घूम रहे हैं बस। तो इस तरफ लग गई है बल्टोइयां, तो ये जो खाना बनेगा ये सारा इन बल्टोइयों में बनेगा। और इसके लिए हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं बोटी। तो ये जो खान साहब है हमारे, बोटी साहब, ये इस कार्य में निपुण है पूरी तरह। और इन्होंने देखो यहाँ पे चावल के लिए बड़ा छड़ोल लगा दिया है। बोला इसको खारा, हाँ खारे में सारे चावल डाल दिए गए हैं। और इस तरफ हो रही है बल्टोइयों में खाने की तैयारी। तो जूते लेके जाना अलाउड नहीं आगे की तरफ, तो हम यहीं से दिखाते हैं आपको। ये चर सबसे पहले ये इस तरह से मिट्टी में बीच में छेद डाल के चर बनाई जाएगी। चर में हमारी लकड़ियाँ जो हैं पेड़ों से खुद की गई होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो खाना बनाने के बर्तन, इनको बल्टोइयाँ बोलते हैं। तो ये जो बल्टोइयाँ हैं ये कहीं अपने ही घर की नहीं है, ये गांव से लेके आए हैं। एक एक बल्टोई हर घर से लेके आए हैं और उनके अंदर अब ये खाना प्रिपेयर हो रहा है। जब सबको खिला दिया जाएगा और बल्टोइयाँ खाली हो जाएगी तो ये बल्टोइयाँ वापस कर दी जाएगी सबको। तो चल रहे बच्चों, अब हमारे यहाँ फंक्शन होता है तो यहाँ पे कोई भी बाहर से काम करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। जो घर की महिलाएं हैं वो इतनी निपुण है हर कार्य में कि वो ही हर तरह का कार्य करती हैं। तो हर कोई यहाँ पे अपना श्रम दान देता है। तो सबसे पहले श्रम दान देने में यहाँ हैं प्रस्तुत हमारी भाभी जी। ये चाय का इन्होंने ठेका ले रखा है, तो ये पूरे घर की चाय बना रहे हैं। और ये है मेरी छोटी सिस्टर, कजन सिस्टर, जो यहाँ पे अपना श्रम दान कर रही हैं। आप क्या कर रही हैं? ये कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो भाभी जी सर्व कर रही हैं। और भाभी जी कुछ कहना चाहोगे? नहीं जी। कुछ तो बोलो। नहीं जी नहीं। नानी जी 100 साल उम्र होने वाली है। जब इस तरह के फंक्शन होते हैं गांव में तो गांव की महिलाएं एक जुट बनाती है जहां पे वो अपने आसपास के लोगों की बुराइयां करती हैं, उनके बारे में जो भी उनके दूसरों की उन्हें निंदा करनी होती है वो की जाती है। तो ये जो ग्रुप बनते हैं ये 3-4 ग्रुप बनाए जाते हैं, अकेले ग्रुप नहीं होते क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो मैं आपको एक ऐसे ही ग्रुप से मिलाता हूँ अभी जो यहाँ पे प्रस्तुत है, जिसमें मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कुंवारे लड़के तो मौज मस्ती करने वाले थे। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक ग्रुप अपना। हमारे चंडीगढ़ के ब्लॉगर, हम नहीं है उनमें, समझे ना आप, जैसा आप बोल रहे हो हम नहीं उन लोगों में जो दूसरों की बुराई करते हैं। हाँ। तो देखो ये इन्होंने तो कैमरा मत तोड़ दे मेरा तू। तो ये हमारी मासी जी, ये बोलने में बहुत तेज है, आपको बहुत कुछ बताएंगी। मासी जी कोई पोइम सुनाना चाहते हैं आप? दीता अंति सी था थमी बमा बीते तो दाती बिने बिने आते आती बात का बात तो आ धर्माते तो ना धर्मा तथा सुखम, मतलब बस इनको इतना ही आता। हां ठीक है, आपको पता नहीं क्यों बताऊं बताऊं उखु गद्दे मन ना उखु औरों को ढूंढना।
एक्सप्रेस बोलना क्या बोलना है एक्सप्रेस उस साइड उस साइड उस साइड बस एक्सप्रेस क्या बोलना है एक्सप्रेस चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अभी अपने दोस्तों के साथ और अभी आपको मैं लेके चलता हूँ। बस जाओ ले बास्केटबॉल खेलते फिर यार तुम्हें कहा गया है अरे इधर नहीं है ये कौन है ये कौन है चलो ठीक है तो अभी हम जा रहे हैं बास्केटबॉल खेलने इनको छुपन छुपाई खिला दी हमने सोचा कि थोड़ा बास्केटबॉल खेलते हैं। खनोट के स्कूल में बास्केटबॉल का ग्राउंड है बहुत ही सुंदर एक ही है एक लेकिन ही। काफी है हाँ उस हाफ साइड पे ही खेल ले हिमाचली धाम में इस तरह सब ने बैठ के पंक्तियों में खाना खाया। हमारे यहाँ हिमाचल में जो खाना खिलाया जाता है वो सबको पंक्तियों में बिठा के ही खिलाया जाता है। जो खान सामा होते हैं जिसे हम पहाड़ी में बोटी कहते हैं वो सबको बारी बारी से एक एक डिश सर्व करते हैं। तो यही था आज के ब्लॉग में हिमाचली धाम। आपसे मिलेंगे दूसरे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब।